नमस्कार, मैं हूँ दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। आज हम आपको उस इंसान के बारे में बताएंगे जो कहता है कि ना वो या तो संत है या फरिश्ता या गुरु या भगवान, बल्कि एक इंसान है। लेकिन आज इसी इंसान ने पंजाब और हरियाणा समेत देश के 5 राज्यों को हिंसा की आग में झोंक दिया, जिसमें अब तक 31 लोग मारे जा चुके हैं और 300 से ज्यादा लोग घायल हैं। आपको इसकी बातों का अर्थ भी सुनाएंगे और इसके समर्थकों की ओर से की गई हिंसा की तस्वीरें भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बता देते हैं कि हमारे कौन कौन से रिपोर्टर से हम 9 बजे का अपडेट लेंगे। निहारिका इस वक्त बठिंडा में है, यतेंद्र शर्मा लगातार सिरसा से रिपोर्ट कर रहे हैं, रजत राकेश टंडन और विपिन चंडीगढ़ से रिपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि पंचकुला से उनको निकलना पड़ा है। हमारे साथ मनोहर केसरी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से है और वरुण हमारे साथ दिल्ली से है क्योंकि 350 ट्रेनों पर असर पड़ा है। लेकिन आइए हम आपको वो प्रोमो दिखाते हैं जो मैसेंजर ऑफ गॉड ने फिल्म के शुरुआत के वक्त दिया था, अपने बारे में क्या क्या दावे किए थे। वो एक इंसान है ये वो कहते थे, लेकिन आज वो क्या निकले ये पूरा देश जानता है। मुझे टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। कोई हमें संत कहता है, कोई कहता है फरिश्ता, कोई कहता है गुरु, तो कोई कहता है भगवान। लेकिन हम तो हैं सिर्फ एक इंसान। कोई हमें संत कहता है, तो खुद को इंसान कहने वाले राम रहीम पर फैसले के बाद पंचकुला समेत तमाम शहरों में हुई हिंसा पर विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले अब तक का पूरा अपडेट आपको बता देते हैं। पंचकुला में हिंसा में 29 लोगों की मौत हो चुकी है, सिरसा में 2 लोग मारे गए हैं, डेरा के करीब 1000 समर्थकों को हिरासत में लिया गया है, 350 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। कल गृहमंत्री राजनाथ सिंह पंजाब हरियाणा में भड़की हिंसा पर हाई लेवल मीटिंग करेंगे। हरियाणा सरकार हिंसा में अब तक हुए नुकसान का आकलन कर रही है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में अपनी जांच रिपोर्ट वो सौंपेगी और कोर्ट ने कहा है कि बाबा की संपत्तियों को जब्त करके इसकी वसूली की जाए। और अब आपको दिखाते हैं राम रहीम का को यौन शोषण मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पंचकुला में कितने बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क गई। पूरा पंचकुला जल उठा, जहां तक नजर जा रही थी आग ही आग, धुएं का गुबार और जलती गाड़ियां नजर आ रही थी। पूरे शहर को डेरा समर्थकों ने हाईजैक कर लिया, न मीडिया को बख्शा न सरकारी दफ्तरों को, यहां तक कि तोड़फोड़ और आगजनी करते हुए रिहायशी इलाकों में आतंक मचा दिया। पंचकुला के सेक्टर 3, 4 और 5 में भयंकर आगजनी, पूरे शहर से फायरिंग की खबर आती रही। पहले खबर आई कि फायरिंग में 3 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, फिर यह आंकड़ा 5 पर पहुंचा, फिर 10 पर और फिर यह आंकड़ा बढ़ता चला गया। लेकिन हिंसा काबू में आने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ पूरे पंचकुला में हिंसा का तांडव हो रहा था तो दूसरी तरफ एम्बुलेंस में भर भर कर मरीजों को अस्पताल लाया जा रहा। हरियाणा पुलिस और सरकार आम लोगों के जान माल की सुरक्षा में पूरी तरह से फेल हो गए। कहने को तो उसने तमाम इंतजाम कर रखे थे, लेकिन राम रहीम पर फैसला आते ही डेरा समर्थक बेकाबू हो गए तो सारे इंतजाम धरे के धरे रह गए। प्रशासन ने पंचकुला में 48 कंपनियां तैनात कर रखी थी, लेकिन पूरे शहर में सरकार ने राम रहीम के जिन लाखों समर्थकों को इकट्ठा होने दिया, उन्होंने ही सुरक्षा बलों को खदेड़ दिया। पंचकुला के जिस कोर्ट ने फैसला सुनाया और जिसे किले में तब्दील किया गया था, वो किला भी ध्वस्त हो गया। यहाँ से पल पल की खबरें दे रहे मीडिया कर्मियों को भाग निकलने की सलाह दी, लेकिन पास के जिमखाना ग्राउंड में डटे 13 समर्थक कोर्ट की तरफ बढ़ने लगे तो सुरक्षा बल के जवान खुद भी भाग पड़े।
यहाँ पर माहौल जो है वो खराब हो रहा है। आप यहाँ से जो है निकलने के लिए कहा जा रहा है और आग जो है वो लग चुकी है। ये डेरा के वो समर्थक थे जो यहाँ पर एकजुट थे। यहाँ पर फायरिंग जो है वो भी सुनी जा सकती है, फायरिंग की आवाज भी यहाँ पर लगातार सुनी जा सकती है, वेपन्स की आवाज, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो डेरा समर्थक यहाँ पर मौजूद थे उनकी ओर से जो है पहले फायरिंग की गई और उसके बाद यहाँ पर तनाव जो है वो बढ़ चुका है और ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेज जो है यहाँ पर पूरी तरह से डिप्लॉयड है। ऐसे में डेरा समर्थकों ने दो चैनलों की ओबी वैन को तोड़ा, फिर पलटा और उनमें आग लगा दी। देखते ही देखते आसपास की सैकड़ों गाड़ियां धू धू कर जलने लगी। डेरा समर्थक यहां से पंचकुला के इनकम टैक्स ऑफिस पहुंचे और तोड़फोड़ की और फिर इसे भी आग के हवाले कर दिया। इसके बाद उनका हमला बीज निगम पर हुआ, यहां उन्होंने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, दफ्तर में भी तोड़फोड़ की। सरकार ने दावा किया था कि कम से कम दर्जन भर अलग अलग तरह के सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आरएएफ, लेकिन ये सब मिलकर भी हिंसा पर काबू पाने में नाकाम रहे। आखिरकार सेना की 6 टुकड़ियों को तैनात किया गया, लेकिन रिहायशी और सरकारी दफ्तर वाले इलाकों में डेरा समर्थक छिपे हुए हैं और उनकी तरफ से हिंसा की आशंका लगातार बनी हुई है। पंचकुला से रजत राकेश टंडन, अमित भारद्वाज और विपिन परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो रजत और विपिन इस वक्त चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, क्योंकि पंचकुला से निकाल दिया गया है उनको। सीधे चलते हैं उन दोनों के पास। रजत और विपिन, आपने बड़ी साहसिक रिपोर्टिंग की है, आपने बहुत शानदार रिपोर्टिंग की आज पूरी की पूरी टीम ने। मैं जानना चाहता हूं कि इस वक्त 9:18 पर पंचकुला के हालात क्या हैं, आसपास के इलाकों के हालात क्या हैं? देखिए दीपक जी, 80% पंचकुला को इवैक्यूएट कराया जा चुका है। सेना, एसएसपी, बीएसएफ और हरियाणा पुलिस के लोगों ने पूरा पंचकुला 80% खाली कराया है। बसों में बैठाकर डेरा समर्थकों को बाहर किया गया है। 20% लोग अभी भी छुपे हुए हैं, जो कि आज रात यानी जो सेंसिटिव रात है दीपक जी, उसमें उनको इवैक्यूएट कराया जाएगा। सारी मोर्चाबंदी आर्मी ने खुद संभाल ली है। लगभग मुझको पंचकुला से चंडीगढ़ आने में 1.5 घंटा लग गया, क्योंकि आर्मी का डिप्लॉयमेंट इतना ज्यादा है। हर चेक पोस्ट पे आर्मी तैनात है और किसी को भी इजाजत नहीं है पंचकुला से चंडीगढ़ या चंडीगढ़ से पंचकुला जाने के लिए। तो कह सकते हैं पंचकुला को एक किले के रूप में बना दिया गया है, जो शायद 3 दिन पहले जिस काम को करना था वो अब किया है। लेकिन हाँ, अब इसलिए किया है क्योंकि आज दिन का जो तांडव था, उस तांडव को देखने के बाद शायद आर्मी भी सोच में पड़ गई कि इंसान ऐसा हो सकता है जो इंसान की बात करता था वो इंसान नहीं रहा। क्या पुलिस, क्या एसएसपी, क्या बीएसएफ, सब कुछ फेल नजर आई दीपक जी। 12 घंटे लगा सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक में, आप कह सकते हैं कि इसको सही करने में, लेकिन सही नहीं हो पाई। इतनी फोर्स, इतनी पैरामिलिट्री लगने के बाद भी वो तांडव हुआ जिसकी बातचीत, और कोर्ट खुद कह रहा था कि ये तांडव होने वाला है, क्या करेंगे आप लोग, लेकिन ये कहते रहे कि हम तैयार हैं, लेकिन तैयार थे नहीं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विपिन परमार भी। विपिन, जो तांडव हमने देखा जब सुबह हम पहुंचे थे, तो लग रहा था इतनी आर्मी है, एसएसबी है, ऊपर हेलीकॉप्टर चल रहा है, ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है, इतनी ज्यादा मार्च की जा रही है, कुछ होगा नहीं, समर्थक के आगे जितनी सेना खड़ी है सब कुछ विफल हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं। 2:30 बजे के बाद जो मंजर बदला, उसने दिखा दिया कि हम क्या थे और फोर्स शायद खड़ी की खड़ी रह गई। देखिए बिल्कुल, परसों रात ही इसकी शुरुआत हो गई थी जब डेरा का पहला समर्थक पंचकुला पहुंचा था, और ये सवाल पहले दिन से इंडिया न्यूज के द्वारा उठाया गया कि आखिर क्यों डेरा समर्थकों को पंचकुला के भीतर आने के लिए आप अनुमति दे रहे हैं। अलग अलग बयान आते हैं, धारा 144 का पूरा प्रारूप बदल कर रख दिया जाता है दीपक जी। ये कहा जाता है कि धारा 144 में क्लॉज लगाना हम भूल गए थे। इस क्लॉज के तहत डंडों, लाठियों और हथियारों पर बैन लगता है। जो लोग डंडे, लाठियां और हथियार लेकर जा रहे थे उनको बैन करना था। हास्यास्पद बयान दिए जाते हैं और उसके बाद जो है डिजास्टर मैनेजमेंट का काम शुरू किया जाता है। पिछली रात ये कहा जाता है, कोर्ट की सख्त टिप्पणी आने के बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट संज्ञान लेता है और कहा जाता है कि आप इन लोगों को बाहर करिए, लेकिन बाहर करने में आप असमर्थ हो जाते हैं और एक जगह इनको दे देते हैं कि आप यहां पर जाके बैठिए और बाबा जब आएंगे तो उनका स्वागत करिएगा। हालांकि ये सारा कुछ पहले ही रोका जा सकता था। आपके पास हर जगह पर आप कॉर्डन ऑफ कर रहे थे, आपके पास सुरक्षा बल पहुंच चुके थे। ऐसे में डेरा समर्थकों की जो लगातार बानगी, जो पंचकुला में आने के लिए लगातार आतुर दिखाई दे रहे थे, उनको आपने सदका करते हुए पंचकुला के भीतर घुसाया। सरकार की तरफ से बयान आया है कि जो कुछ नुकसान हुआ है उसकी हम भरपाई करेंगे, कोर्ट में जाएंगे। ये सबसे पहले आप इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं बाबा राम रहीम के निकलने की, जिसको
किस तरह से कोर्ट से निकाला गया है ये आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। पहले भी हमारे संवाददाता विपिन परमार ने बताया था कि किस तरीके से उसने सफेद कपड़े और एक काले रंग की बेल्ट लगा रखी थी, बड़ा शान दिखाई दे रहा था। आज उसकी पूरी ड्रेस डिजाइनिंग और ग्लैमर गायब था और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जब कोर्ट से सजा देने के बाद राम रहीम निकला है, चेहरे पर निराशा है, वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, उसने हाथ जोड़े और पुलिस इसको यहां से ले गई और बाद में एयरलिफ्ट करके उसको रोहतक ले जाया गया। अभी तक ये डिस्क्लोज नहीं किया गया है सुरक्षा कारणों से कि रोहतक में उनको कहां पर रखा गया है, राम रहीम को कहां पर रखा गया है, लेकिन हम आपको फटाफट पूरे देश के हालात बता दें। डेरा सच्चा सौदा के समर्थकों के तांडव पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने आज बेहद सख्त फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि निजी और सरकारी संपत्ति का जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई राम रहीम की संपत्ति को बेचकर की जाएगी। हाईकोर्ट में कल फिर सुनवाई होगी और कोर्ट ने राम रहीम और डेरा की तमाम संपत्ति का ब्यौरा मांगा है, जब्त करने को भी कहा है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि जितना भी नुकसान हुआ है उसकी जिम्मेदारी राम रहीम की है जो अपने समर्थक पर काबू नहीं रख सके। तो हम सीधे चलते हैं हमारे अगले सहयोगी के पास। हमारे अगले सहयोगी है यतेंद्र जो सिरसा से जुड़े हुए हैं। सिरसा में डेरा का बहुत बड़ा आश्रम है, 700 एकड़ के अंदर फैला हुआ है, जहां पर बाबा शहंशाहों भगवान ग्लैमर की दुनिया में तड़क भड़क के साथ और बेहद रहस्यमय दुनिया में रहता है। यतेंद्र संक्षेप में बताइए क्योंकि हमको सबके बाद चलना है, अभी सिरसा में 9:23 पर क्या हालात है? देखिए दीपक जी, बिल्कुल अगर सिरसा की बात करें तो अभी हालात बड़े गंभीर कह सकते हैं क्रिटिकल बने हुए हैं, क्योंकि आर्मी ने पूरा मोर्चा संभाल लिया और आर्मी को मोर्चा संभालने की जरूरत पड़ गई क्योंकि यहां पर पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं लाचार नजर आ रहा था, जिसकी का शायद उसी वजह से आगजनी की तमाम घटना हुई, तमाम मीडिया कर्मियों को चोटें आई, उनको टारगेट किया गया, गाड़ियों में आग लगाई गई और अभी तक एक कैमरामैन मिसिंग है, लापता है, उसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। एक कैमरामैन हॉस्पिटलाइज्ड है, 2 लोगों की मौत हो चुकी है और जिसमें से 7 लोग और घायल हुए, जिसमें से 3 लोगों को गंभीर हालत में दूसरे हॉस्पिटल में रेफर किया गया। मैं अभी सिविल हॉस्पिटल सिरसा में खड़ा हुआ हूं, जहां पर तमाम जो इंजर्ड है वो घायल किए गए हैं। 2 डेड बॉडी यहां पर आ चुकी है जिनको पुलिस की गोली लगी है, यानी कि हालत बड़े यहां पर विकट से विकट होते जा रहे थे, लेकिन बाद में आर्मी को बुलाया गया, आर्मी का फ्लैग मार्च पूरे शहर में कराया गया, आर्मी की 2 टुकड़ियों को जो सिरसा के आसपास के गांव है वहां पर उनको डिप्लॉयमेंट किया गया और 2 टुकड़ियों को जो बेबू रोड है जहां पर ये गंभीर शकल जो हिंसा की ली उनके उपद्रवी तत्वों ने वहां पर उनको उस 2 टुकड़ियों को भेजा गया और अब स्थिति यह है कि आर्मी कभी भी ऑपरेशन जारी कर सकती है क्योंकि एक एक करके जो प्रशासन बेबस दिखाई दिया, एक एक करके हजारों लाखों की संख्या में यहां पर भी जो आश्रम मेन आश्रम कहा जा सकता है हेडक्वार्टर जो 700 एकड़ में फैला हुआ है वहां पर बताया जा रहा है कि 5 यतेंद्र आपको रुकना पड़ेगा, हमको बाकी लोगों के पास भी चलना है, अफसोस हमारे पास वक्त इतना ही है। यतेंद्र निहारिका जल्दी से बताइए कि भटिंडा में क्या हुआ, उससे पहले हम आपको बता दें कि राम रहीम की कुल संपत्ति लगभग 200 करोड़ की बताई जाती है। हरियाणा के सिरसा में करीब 700 एकड़ जमीन पर बना हेडक्वार्टर है, यहाँ 1,00,000 से भी ज्यादा समर्थक इस वक्त मौजूद है। अगर इसे जब्त किया जाता है तो इतने सारे लोगों को निकालना क्या आसान होगा। रामपाल का हेडक्वार्टर 12 एकड़ था जिसे खाली कराने में बवाल मच गया था, वहीं अलग अलग हिस्सों में डेरा के करीब 250 आश्रम बताए जाते हैं। इसके अलावा राम रहीम के नाम पर एक गैस स्टेशन भी है, यही नहीं राम रहीम के नाम पर कई मार्केट कॉम्प्लेक्स भी बताए जाते हैं। डेरा सच्चा सौदा ने रिटेल चेन भी शुरू किया है जिसमें रोजमर्रा के इस्तेमाल का सामान बेचा जाता है, जो सामान बिकता है उसका ब्रांड डेरा के नाम पर होता है। सीधे भटिंडा चलते हैं निहारिका के पास। निहारिका बहुत संक्षेप में, क्या भटिंडा में हालात काबू में है? भटिंडा में हालात बिल्कुल काबू नहीं है। बाबा का गुरमीत राम भाई इंसान का एक फेवरेट गाना था लव चार्जर, पीस लविंग भटिंडा में ना अब लव है और चार्जर के लिए बिजली भी नहीं है। दुकान, एटीएम, होटल सब बंद है। यहाँ पर धारा 144 पहले लागू थी लेकिन अब कर्फ्यू, अब पता नहीं कब तक कर्फ्यू यहाँ पर लागू कर दिया गया। 8 बजे के बाद कोई भी यहाँ पर निकल रहा उसकी गिरफ्तारी हो रही है। जो डेरा समर्थक है जो घर में इस वक्त अंडरग्राउंड मौजूद है, घर में घुस घुस के सघन चेकिंग अभियान तलाशा जा रहा है। पंजाब के अगर दीपक जी मैं बहुत ही मैं बता देती हूँ, 5 ऐसे जिले हैं जो काफी ज्यादा सेंसिटिव हैं, बटिंडा, फिरोजपुर, मानसा, मुक्तसर और मालवा। यहां से खबर सामने निकल कर आ रही है कि चीजें सेंसिटिव हो गई क्योंकि रेलवे स्टेशन को निशाना यहां पर बनाया गया, जिसमें बटिंडा के बालूवाड़ा रेलवे स्टेशन, इसके अलावा मुक्तसर के मालौट रेलवे स्टेशन यहां पर अटैक किया गया। तो जो लाइफलाइन होती है रेल उसको टारगेट किया गया। रैपिड एक्शन फोर्स जो कि दिल्ली से आई है, सीआरपीएफ जो कि जम्मू से आई है उसने मोर्चा यहां पर संभाल लिया।
टोल नाके पर चेकिंग लगातार हो रही है और लगातार यहाँ पर हालात पर मॉनिटरिंग हो रही है, खासतौर पर सोशल मीडिया। ठीक है निहारिका, हम संक्षेप में सबके पास चलते हैं क्योंकि हमको 9:47 तक ये अपडेट जारी रखना है। डेरा समर्थकों की हिंसा पंजाब और हरियाणा तक सीमित नहीं रही, ये आग दिल्ली तक पहुंच गई। आनंद विहार स्टेशन पर खड़ी ट्रेन की 2 बोगियों को आग के हवाले कर दिया गया। वो यही नहीं, यूपी और राजस्थान के कुछ इलाके भी हिंसा की आग में जलने लगे। हम और आगे चलेंगे और आपको ये बताते हैं अभी कि पुलिस ट्रेनिंग कैंप रोहतक के अंदर बाबा को रखा गया है, राम रहीम को रखा गया है, जो अब एक कन्विक्टेड मुजरिम है, जो कि सजा याफ्ता मुजरिम है, और उसको अभी रखा गया है और 28 तारीख को उसको सेंटेंसिंग होगी, यानी उसको सजा सुनाई जाएगी। जो बलात्कार का मामला होता है उसमें कम से कम 7 साल और अधिक से अधिक उम्र कैद की सजा हो सकती है, साथ में जुर्माने का भी प्रावधान है। अब हम चलेंगे दिल्ली रेलवे स्टेशन और वहां का हाल लेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि सबसे बड़ा सवाल क्या है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हालात से निपटने के लिए सरकार की तैयारी क्या थी। अब से कुछ देर पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से जब पत्रकारों ने यह सवाल पूछा तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। क्या तैयारियां पूरी थी हरियाणा सरकार की या फिर तैयारियों की कमी रह गई? हरियाणा सरकार ने बहुत तैयारियां कर रखी थी, पूरी तैयारियां थी। अब चूंकि एक बहुत बड़ा मॉब था और जब इस प्रकार के मॉब पहुंचा कैसे पंचकूला, सवाल ये है, सवाल ये है कि बार बार पूछ रहा था पूरी जुलाई क्यों बरती। आपकी बात ठीक में मानते हुए भी, लेकिन जब इस प्रकार का जो विषय होता है, बहुत बड़ा एक विषय है देश में, उनके और प्रदेश में भी लाखों उनके जो अनुयायी हैं उनको हमने रोकने की भी बहुत कोशिश की। तो डेरा समर्थकों ने पंजाब में कई शहरों में हिंसा और आगजनी की। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी लोगों से शांति की अपील की है और मोटे तौर पर मालवा में तनाव है क्योंकि मालवा जो है बहुत बड़ा डेरा का इलाका है, पूरा प्रभाव है। पंचकुला में हुई हिंसा को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट किया है। राष्ट्रपति ने लिखा है, कोर्ट के फैसले के बाद हिंसा और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना बेहद निंदनीय है, मैं सभी नागरिकों से शांति की अपील करता हूं। ये महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है। अब सीधे चलते हैं रेलवे का हाल जानने के लिए हमारे सहयोगी मनोहर केसरी के पास, जो इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। मनोहर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या रेलवे का अपडेट है अभी तक का? 350 ट्रेनें रद्द करना और उसमें एक ऐसा ही रूट है जो अमृतसर का है, जो सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है और दूसरा धार्मिक स्पॉट है, और दूसरा रूट वैष्णो देवी का है, ये यहीं से गुजरते हैं, और रोहतक रूट पर भी सुनने को मिला है कि वहां पर भी ट्रेनों को रोक दिया गया है। क्या अपडेट है रेलवे का? बिल्कुल दीपक जी, जो नॉर्दर्न रेलवे की खबर है उनमें से 3 डिवीजन बुरी तरह से अफेक्टेड है, रेल सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई है, 300 से ज्यादा ट्रेनें अफेक्टेड है, रद्द कर दी गई है। और जो नॉर्दर्न रेलवे के जीएम है एमसी चौहान, उन्होंने हरियाणा और पंजाब के चीफ सेक्रेटरी से बात की है कि उन इलाकों के जो तमाम रेलवे स्टेशन है वहां पर वो सुरक्षा के लिए उनको मदद करें, जवान दें। उसके साथ साथ रेलवे स्टेशन पे, अगर आपने ठीक कहा कि जम्मू कश्मीर, अमृतसर, इन तमाम जगहों पे जो मेजर रूट है यहाँ की ट्रेनें अफेक्टेड है, और अगर हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ सुरक्षा बढ़ा दी गई है और यहाँ कुछ ऐसे पैसेंजर हैं जो लगातार परेशान हो रहे हैं। आप देख सकते हैं, हम अपने कैमरा पर्सन को भी दिखाएंगे, वो हमारे दर्शकों को दिखाएं कि यहाँ किस तरह से लोग इंतजार कर रहे हैं, अपने लगातार लेटे हुए हैं, और जो बोर्ड है उसमें भी तमाम ट्रेनों के बारे में जानकारी भी दी जा रही है। ठीक है, हम हमारे दर्शक जो देख रहे हैं और ट्रेन से आजकल में सफर करने वाले हैं उन्हें कह दें कि कम से कम रेलवे इंक्वायरी पर या रेलवे की वेबसाइट पर जाकर ये पता कर लें कि उनके ट्रेन के हालात क्या हैं, उनकी ट्रेन की सिचुएशन क्या है। देश के तमाम बड़े नेता शांति की अपील कर रहे हैं। राम रहीम पर फैसले के बाद हमने डेरा के प्रवक्ता दिलावर इंसा से बात की, उन्होंने समर्थकों से शांति की अपील की, लेकिन राम रहीम के साथ अन्याय की बात कहकर एक तरीके से उन्हें उकसा भी दिया। आपके समर्थक इतनी बड़ी संख्या में पंचकुला में आए कैसे, हरियाणा में इकट्ठे क्यों हो गए? हाईकोर्ट ने तो आपको वापस जाने के लिए कहा था और बाबा गुरमीत राम रहीम से कहा था कि वो अपील करें। दीपक जी, इस वक्त अब गुरु जी ने भी कल अपील की थी और इस वक्त मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। इस वक्त जो मामला चल रहा है उसमें शांति की ज्यादा जरूरत है, तो आप अपने चैनल के माध्यम से और ये एक संदेश दें कि मैं भी संदेश दे रहा हूं, मैं भी बता रहा हूं सबको कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हम इसकी अपील करेंगे। हमारे साथ महिपा तो इतिहास मजदूरों के साथ हुआ, देश में सबको मानता भलाई के लिए सभी शांति बनाए रखें।
तो ये बयान था डेरा का, डेरा का ये बयान था, कितना जिम्मेदार है कितना गैर जिम्मेदार आप खुद सोच सकते हैं। अब हम आपको ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं, कोर्ट से जब बाबा राम रहीम निकले तब वो कैसे थे, उनके एक्सप्रेशन कैसे थे, और हमारे सहयोगी ब्रेकिंग न्यूज के साथ सुमित जुड़ गए हैं। सुमित मुझे ये बताइए, बाबा कहाँ है, कहाँ रखा गया है बाबा को? देखिए अभी बाबा को जो सुनार जेल है उसके ट्रेनिंग सेंटर के पास जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है उसमें रखा गया है दीपक जी, और उसकी पूरी जिम्मेदारी यानी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो सीआईएसएफ को दी गई है। अभी उसके गेस्ट हाउस को खासतौर पर तो जो उसको तब्दील किया गया है जेल में जहां पर वो रहेंगे, लेकिन 28 तारीख को जिस तरीके से जो कंटेम होगा यानी जो सेंटेंस सुना जाएगा वो देखने वाला होगा, क्योंकि माना यह भी जा रहा है कि शायद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सुनाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ या फिर पूरी जो चीजें हुई उस हिंसा को देखते हुए भी ये शायद आगे इसकी इसके ऊपर डिसीजन लिया जा सकता है कि क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही उनकी सजा का ऐलान किया जाए, क्योंकि क्योंकि माना यह भी जा रहा है कि 28 को भी इसी तरीके से अगर वो जुटते हैं उनके समर्थक जो है तो ज्यादा क्या कानून व्यवस्था को लेकर ये कदम उठाया जा सकता है, लेकिन अभी ये बताया जा रहा है लगभग सुमित ये साफ हो चुका है, ये साफ हो चुका है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सुनवाई होगी, क्योंकि सेंटेंसिंग जब होती है तब आदमी को सजा खुद के सामने दी जाती है, सजा का या दोषी होने का ऐलान खुद के सामने किया जाता है, लेकिन ये फॉर्मेलिटी उसको सजा सुनाते वक्त जरूरी नहीं है, कानून और व्यवस्था के हालात और कोर्ट की परंपराओं को देखते हुए यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सुनवाई होगी। अब मोटे तौर पर यह साफ हो चुका है और 28 तारीख को मिनिमम 3 साल और अधिकतम उम्र कैद की सजा राम रहीम को मिल सकती है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसे अब तक बाबा क्यों कह रहा हूं, हमें राम रहीम कहना चाहिए। और आज पंचकुला की सीबीआई अदालत ने करीब दोपहर के 3 बजे राम रहीम को यौन शोषण के मामले में दोषी करार दिया। फैसला सुनते ही अक्सर बुलंद हौसले वाले राम रहीम का चेहरा उतर गया। आइए आपको बता देते हैं कि कोर्ट में क्या क्या हुआ सिलसिलेवार ढंग से। करीब 2:15 बजे राम रहीम पंचकुला की सीबीआई अदालत पहुंचे। इंडिया न्यूज इकलौता चैनल था जिसने कोर्ट कैंपस में राम रहीम की गाड़ियों को दाखिल होने की तस्वीर आपको दिखाई थी। वो बाबा राम रहीम की गाड़ी कोर्ट की ओर जाती हुई ये देख सकते हैं, एक गाड़ी सिर्फ बाबा राम रहीम की, उसके बाद जैमर और बाकी गाड़ियां ये देख सकते हैं, ये दूसरी काली गाड़ी निकली है, क्योंकि जो प्रॉपर कॉन्वे है उसमें सिर्फ 2 गाड़ियां जो है चिन्हित की गई थी। आप देख सकते हैं ये काफिला सिरसा से बाबा राम रहीम के साथ चला था और सुरक्षा के इंतजामों में उन्हें पंचकुला कोर्ट में जो है पेश करने के लिए लाया गया है। सफेद ड्रेस और काले रंग की बेल्ट लगाए राम रहीम कोर्ट रूम नंबर 2 पहुंचे। उनकी जेब में लाल रंग की कलम थी जिसे पुलिस कर्मियों ने निकाल लिया। कोर्ट के अंदर जाने से पहले सबके मोबाइल फोन बंद करवा दिए गए। कोर्ट के अंदर सिर्फ 7 लोग मौजूद थे, जज जगदीप सिंह, राम रहीम, दोनों पक्षों के 2-2 वकील और 2 पुलिस अधिकारी। इनमें से जज ने फैसला सुनाने से पहले पुलिस अधिकारियों को बाहर कर दिया। अब सिर्फ 5 लोग रह गए। जज जगदीप सिंह ने 9 पन्ने वाले फैसले को पढ़ना शुरू किया। इस दौरान राम रहीम हाथ जोड़े खड़े रहे। करीब 10 मिनट के भीतर जज ने अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने राम रहीम को जैसे ही दोषी ठहराया उनके चेहरे पर मायूसी छा गई, उनकी नजरें जमीन पर गड़ गई और आंखों में आंसू आ गए। वर्मा जी, कोर्ट के अंदर आज जज किस तरह से टिप्पणी कर रहे थे और हमने सुना राम रहीम हाथ जोड़ के खड़े थे? देखिए जी, कोर्ट एज यूजुअल काम कर रही थी, जैसा में भी कोई ऐसा कोई हम नहीं कह सकते कोई खास किस्म से कोई अपना ऑर्डर प्रनाउंस किया हो, जैसे आम केसेज में ऑर्डर प्रनाउंस होते हैं जज वाज कूल एंड काम एंड ही वाज प्रनाउंसिंग हिज जजमेंट इन ए रूटीन मैनर, और जो अक्यूज थे वो भी बिल्कुल शांत खड़े हैं। शांत खड़े रहे तो बाबा राम रहीम शांत खड़े रहे। वर्मा जी, आप क्या पनिशमेंट की मांग करेंगे और कितना मैक्सिमम पनिशमेंट लॉ के हिसाब से मिल सकता है और कितना मिनिमम? सर 300 मिनिमम 7 इयर्स है जी, मैक्सिमम लाइफ है। अच्छा, हाँ जी हाँ। सीबीआई की विशेष अदालत 28 अगस्त को सजा का ऐलान करेगी। विपिन परमार, पंचकुला, इंडिया न्यूज। पंचकुला कोर्ट में पेशी से लेकर फैसला सुनाए जाने के बाद हिंसा और राम रहीम को रोहतक शिफ्ट किया जाना कई मायनों में अनोखा केस है। आज बहुत कुछ पहली बार हुआ जो देश के इतिहास में शायद पहले कभी नहीं हुआ। अब आपको ग्राफिक दिखाते हैं, ऐसा पहली बार हुआ जब आरोपी 250 गाड़ियों का काफिला लेकर
कोर्ट पहुंचा। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी आरोपी को फैसले के बाद जेल ले जाने के बाद एयरलिफ्ट किया गया। ऐसा पहली बार हुआ जब कोई आरोपी अपने प्राइवेट एस्कॉर्ट के साथ जेड प्लस सिक्योरिटी को लेकर पेशी के लिए कोर्ट आया हो। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी सिविलियन के मुकदमे में फैसले से पहले सेना को स्टैंड बाय पर रखा गया हो और फैसले के बाद उसे तैनात करने की नौबत आई। ऐसा पहली बार हुआ है जब कोर्ट के बाहर 4 लेयर की सिक्योरिटी लगाई गई जिसमें 1 लेयर सेना की थी। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी आरोपी के फैसले से पहले इतनी बड़ी तादाद में उसके समर्थक इकट्ठा हो गए हों और ये पता नहीं चल पा रहा है कि इतने सारे लोग आखिर गए कैसे, ऑर्गेनाइज तरीके से गए। ऐसा पहली बार हुआ है जब फैसले के बाद इतने बड़े पैमाने पर हिंसा फैली जिसका दायरा 5 राज्यों तक फैल गया। ऐसा पहली बार हुआ है जब हाईकोर्ट ने कहा कि हिंसा से हुए नुकसान की भरपाई आरोपी की संपत्ति को जब्त करके की जाएगी। ये सब पहली बार हुआ है, अनोखा केस देखा है मैंने अपने जिंदगी में इसका। के सिन्हा जी मेजर जनरल हमारे साथ है। मेजर जनरल साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस तरह के सिविलियन मैटर में कभी भी सेना का रोल नहीं होता है, यह कंप्लीट सिविलियन मैटर है, भूकंप और उसमें जो मानवता का काम है वो किया जाता है। और अब अधिक से अधिक ये होता है कि जब कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो तो सेना को स्टैंड बाय पे रख दिया जाता है, लेकिन इस तरह का एक्टिव इस्तेमाल सेना का? दीपक जी, आपने एब्सोल्युटली सही बात कही। ये बड़ा दुर्भाग्य का बात है जिस तरह से सेना को आज यूज कर रहे हैं। देखिए, सेना को जब आप स्टैंड बाई रखते हैं एड टू सिविल अथॉरिटी के अंदर में, आप उसको रख सकते हैं, मगर हालात क्या थी? हालात क्या है? एक आस्था का एक गुनाहगार के लिए आप जब इंटरनल सिक्योरिटी रिव्यू कर रहे हैं उसमें आपको पता चला कि ये होने वाला है। ये सब चीज राज्य के लेवल पे और सेंटर के लेवल में पता है कि सिचुएशन कितनी डिटरेट करेगी, इसलिए सेना को उन्होंने स्टैंड बाई रखा। और ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। चलिए, आप इसको दुर्भाग्य की बात, दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य देश, लेकिन सेना का इस तरह का इस्तेमाल देश में पहली बार हुआ है। और अब आपको 2 अलग अलग तस्वीरों से दिखाते हैं कैसे आज वो हुआ जो देश में पहले कभी नहीं हुआ। एक तरफ आप देख सकते हैं कि राम रहीम सिरसा से सुबह 9:25 पे 250 गाड़ियों का काफिला लेकर निकले। इस काफिले में एक से बढ़कर एक महंगी गाड़ियां थी। इन गाड़ियों में BMW, लेक्सस और ऑडी जैसी महंगी गाड़ियां शामिल थी। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे फैसले के बाद राम रहीम को हेलीकॉप्टर से रोहतक ले जाया गया, जिसके लिए रोहतक में जेल के करीब हेलीपैड बनाया गया था। आपको बता दें कि सबसे पहले इंडिया न्यूज ने आपको बताया था कि राम रहीम को हेलीकॉप्टर से जेल ले जाया जाएगा और इस तरह का एयरलिफ्ट भी पहली बार देखा गया है। और आप पीछे आप देख सकते हैं कि जो पुलिस यहाँ पर तैनात है उसने माइक और ले लिया है। यहाँ अनाउंसमेंट कुछ ही देर में शुरू हो जाए, यानी आप कह सकते हैं कि इमरजेंसी की जो एक तरीके से हालत होती है वो डिक्लेयर कर चुकी है। और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो आपको ऊपर दिखाए। जी हाँ, कैमरामैन से कहूंगा ऊपर दिखाए। हेलीकॉप्टर दीपक जी जो है उसकी भी आवाज सुनाई पड़ रही है। यहाँ अनाउंसमेंट हो रहा है, आप सुन सकते हैं अनाउंसमेंट। इस बवाल की वजह से उन लोगों के सामने बड़ी दिक्कत आ गई जो इस इलाके में घूमने या फिर किसी काम से गए थे, क्योंकि बवाल की वजह से ज्यादातर ट्रेन सेवा रद्द कर दी गई है और अंबाला डिवीजन के DRM ने अंबाला से निकलने वाली 350 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। बवाल की वजह से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल की ओर जाने वाली ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। जम्मू कश्मीर की तरफ जाने वाली ट्रेनों को प्रभावित हुई। अंबाला, भिवानी और हिसार की तरफ जाने वाली ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। हरियाणा और पंजाब से होकर गुजरने वाली तकरीबन 81 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। वहीं जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाली 10 से अधिक ट्रेन स्थगित कर दी गई। ट्रेन रद्द होने से जम्मू, कटरा और अमृतसर जैसी जगहों पर लाखों की तादाद में लोग फंस गए हैं। अब इन इलाकों से निकलने के लिए फिलहाल लोगों के सामने हवाई सेवा का एक विकल्प बचा है जो कि हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी वरुण जैन के पास। ये आप वो तस्वीरें देख रहे हैं जब राम रहीम को निकाला गया कोर्ट के बाहर सजा सुनाए जाने के बाद। कपड़े हमने आपको बताए थे दोपहर में ही कि उसने सफेद कलर का कुर्ता पजामा डाल रखा था और सर पर उसका पट्टा जो है नदारत था, सर पर पगड़ी नदारत थी और वो बिल्कुल चुपचाप कोर्ट के परिसर से बाहर निकला। सीधे चलते हैं वरुण जैन के पास। वरुण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, ये बताइए दिल्ली में किस तरह के हालात है, संक्षेप में बताइएगा।
देखिए बिल्कुल, दिल्ली पुलिस को पहले ही अलर्ट किया गया था, दिल्ली और हरियाणा के जितने भी बॉर्डर है वहां पर जो सिक्योरिटी है उसकी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी थी, पैरामिलिट्री फोर्स को लगाया था, लेकिन फिर भी दिल्ली अछूती नहीं रही। 11 जगह आपको बता दूं उपद्रवियों ने आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया है, जिसमें लोनी, नंदनगरी, जहांगीरपुरी, मंगोलपुरी, बवारा में डीटीसी बसों को आग लगाई गई है। कई जगहों पर आगजनी की दूसरी घटनाएं भी हुई है। फिलहाल अभी दिल्ली के अंदर शांति है, लेकिन दिल्ली पुलिस को अलर्ट किया गया है और कहा गया है कि वो लगातार अपने इलाकों में पेट्रोलिंग करते रहे और कहीं पर अगर लोगों की भीड़ दिखती है, कुछ सस्पिशियस लोग दिखते हैं तो उनको तुरंत पकड़ लिया जाए। जी मैं रुकूंगा जनरल साहब आपको, मेरे पास वक्त की बड़ी कमी है, हमको पूरी खबरें भी बताना है और हम आपको बताते हैं कि राम रहीम पर किस तरह के आरोप अब तक लगे हुए हैं, क्योंकि सिर्फ यही मामला नहीं है, दो मर्डर के केसेस में उनकी जो डिस्कशंस है, उनका जो सुनवाई है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है, कोर्ट कभी भी डिसीजन दे सकता है। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम की डेरे की दो साधवियों के साथ रेप के मामले में आज दोषी करार दिया गया, लेकिन राम रहीम पर लगे आपराधिक आरोपों और मुकदमों की लिस्ट लंबी है। राम रहीम को डेरा सच्चा सौदा के दूसरे गुरु शाह सतनाम सिंह ने 23 सितंबर 1990 को अपना उत्तराधिकारी बनाया। डेरे का मुखिया बनने के अगले ही साल में बाबा राम रहीम और बवाल का रिश्ता जुड़ना शुरू हो गया। ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं क्या क्या हुआ। 1991 में डेरा के पूर्व मैनेजर फकीर चंद गायब हो गए। हाईकोर्ट के निर्देश पर फकीर चंद की गुमशुदगी की जांच सीबीआई ने की, लेकिन 2010 में सबूत न मिलने की बात कहते हुए सीबीआई ने केस की जांच बंद कर दी। आगे बताते हैं, मई 2002 में गुमनाम चिट्ठी में आरोप लगाया गया कि राम रहीम अपने डेरे में साध्वी का यौन शोषण करते हैं। चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने इस चिट्ठी को सीबीआई से जांच कराई तो दो साध्वी के राम रहीम के खिलाफ बयान दर्ज कराया। डेरा में यौन शोषण की चिट्ठी सार्वजनिक होने के बाद 10 जुलाई 2002 को डेरा के मैनेजर रंजीत सिंह की कुरुक्षेत्र में हत्या हो गई। रंजीत हत्याकांड में राम रहीम के साथ साथ किशन लाल, इंदर सेन, अवतार सिंह, जसबीर सिंह और सबदिल सिंह भी आरोपी हैं। राम रहीम पर सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या करवाने का मुकदमा भी चल रहा है। रामचंद्र छत्रपति एक पत्रकार था जिसने यौन शोषण की पूरी कहानी 23 अक्टूबर 2002 को गोली मारी गई उसे, और छत्रपति ने 30 मई 2002 को डेरा में साध्वी के यौन शोषण की खबर छापी थी। छत्रपति हत्याकांड में राम रहीम के अलावा कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह को आरोपी बनाया गया है। आगे दिखाते हैं, 2007 में राम रहीम पर सिख समुदाय के लोगों ने धार्मिक भावनाओं भड़काने का मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में अकाल तख्त ने उन्हें माफ कर दिया था और 2014 में राम रहीम इस मामले से बरे हो गए थे। 2014 में डेरे के ही एक साधु ने चंडीगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके आरोप लगाया कि राम रहीम ने करीब 400 साधुओं को नपुंसक बना दिया है। यह मामला अब तक लंबित है और कोर्ट में चल रहा है। 2015 में राजस्थान के कमलेश कुमार नाम के आदमी ने जयपुर के जवाहर सर्किल थाने में केस दर्ज कराया कि डेरा सच्चा सौदा के सिरसा मुख्यालय से उसकी बीबी गुड्डी देवी को अगवा कर लिया गया है। इस मामले में डेरा के मैनेजिंग डायरेक्टर सतनाम सिंह को आरोपी बनाया गया है और बकायदा जयपुर की कोर्ट ने कहा कि इस मामले को दर्ज किया जाए और उसके बाद इस मामले को दर्ज किया गया। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, राम रहीम की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। हम आपको बता दें, जब वो पंचकुला के कोर्ट से बाहर निकला तो देखिए उसकी कैसी अवस्था थी। ये आदमी जो ग्लैमर में रहता था, तड़क भड़क में रहता था, ये व्यक्ति जिसने 5-5 फिल्में बनाई थी और हर फिल्म इतिहास के समय के अनुसार बहुत पहले पूरी कर ली थी। जितने दिनों में एक ऐड फिल्म की शूटिंग होती है 25 से 28 दिन में वो पूरी एक फिल्म की शूटिंग कर लिया करते थे। अपने आप को उन्होंने मैसेंजर ऑफ गॉड बनाया और उनकी पहली फिल्म MSG इसी नाम से थी। हालांकि फिल्में उनकी चल नहीं पाई, बाबा ने ग्लैमर के साथ जुड़ने की कोशिश की, मीडिया से उनकी अदावत पुरानी है, लेकिन उसके बाद उन्होंने जब फिल्में बनाई तो मीडिया के साथ समझौता किया और लंबे लंबे इंटरव्यू दिए। ऐसे ही एक इंटरव्यू को हम आपको दिखाएंगे, अभी देख लेते हैं। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम पर आज आए फैसले और उनसे जुड़ी तमाम बातों को हम या तो कोर्ट के फैसले के आधार पर बना रहे हैं या फिर कुछ अब तक की सीबीआई जांच के सामने आया है। इसके अलावा ही हमारी कोशिश है कि हम डेरा का भी पक्ष रखें। यह हमारा डिस्क्लेमर है, हम बता दें, डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम पर आज आए फैसले और उनसे जुड़ी तमाम बातों को हम या तो कोर्ट के फैसले के आधार पर बता रहे हैं या फिर जो कुछ अब तक की सीबीआई जांच से सामने आया है। इसके साथ ही हमारी कोशिश है कि हम डेरा का भी पक्ष रखें। तो एक बार फिर से चल लेते हैं अपने सहयोगियों की तरफ, जितना वक्त हमारे पास बचा हुआ है, और सबसे पहले अपडेट लेते हैं पंचकुला का। हम सीधे चलते हैं रजत के पास। रजत, क्या खबर है पंचकुला से, आप संक्षेप में मुझे बताइए। देखिए, पंचकुला को सीज कर दिया गया है, कोई किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है।
मिलिट्री ने अपने हाथ में कमाल ले ली है, चारों तरफ लोहे की फेंसिंग कर दी गई है, जीप खड़ी हुई है मिलिट्री की और किसी को भी अंदर और बाहर जाने की इजाजत नहीं है। यानी कोशिश ये है कि पंचकुला में कोई एंटर ना कर पाए और पंचकुला से कोई बाहर चंडीगढ़ भी ना आ पाए। शाम की मैं अगर बात बताऊं तो 6:30 और 7 के बीच में ऐसा वक्त था कि जितने भी लोग थे उनको इवैक्यूएट किया गया, जितने भी डेरा समर्थक थे बस में बैठाया गया, बस में बैठाने के बाद उनको बाहर किया गया। तो आप कह सकते हैं 80% पंचकुला को इवैक्यूएट करा जा चुका है, 20% बचा है जिसको आज रात में किया जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नजात, मेरे तमाम संवाददाताओं को जिन्होंने, सबका नाम तो मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन जिन्होंने बेहद बहादुरी के साथ जान पर खेल के रिपोर्टिंग की है और इंडिया न्यूज ने ये खबर आपको सबसे पहले कैसे दिखाई ये बताएंगे। लेकिन अब हम फिर से देख लेते हैं एक बार कि जो आदमी आपको अपने आप को इंसान कहता था, भगवान कहता था, वो किस तरह का निकला आज पूरे देश ने देख लिया है।